या परवरदिगार हर लम्हा माफी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाजर ते सलामत कर सज्जणा तो भराओ जींदियां दे मेले ते हर किसे ने टुर जाना जी। अरशद शरीफ साहब अज मनो मिट्टी दे थले चले गए जी। अज कहानी अरशद शरीफ एंकर अरशद शरीफ दा नाम दुनिया दे उत्ते दुनिया लाएगी जी। अरशद शरीफ बजाते खुद परवरदिगार दे कोल चला गया जी। आज दी रात साहब किताब दी रात अमला दी रात चंगे चंगे ते सानू दुआ करनी चाहिए है बारी ताला वो कबर दे इम्तिहान चो भी पास होन ते वो अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे ते मालक जिहड़ा बख्शिश अता फरमावे। लेकिन इस कौम नू मेरा सलाम आ बहुत बड़ा सलाम आ जो उन्हां दी वालदा ने कहा वो गल इस कौम ने पूरी करके दसी। यकीन करो कि जनरल ज़ियाउल हक का जनाजा मैं अपनी अखां नाल देखिया। दुनिया जिस तरह सदाई सी ना जी इदा सदाई लाइना दी लाइना जिहड़ियां वो लोगों ने बनिया हुई सी ते जा रहे सी फैसल मस्जिद वाले पास। उस वक्त एक पी टी वी हुंदा सी बाकी कोई चीज़ नहीं हुंदी सी। वो पूरा लाइव नज़ारा मैं देखिया किस तरह वो लोग ताड़ा मारते रोंदे जाते सी ते किस तरह जनाब उत्थे लोग जिहड़े आ वो शामिल होए सी वो भी एक बहुत बड़ा सानिया सी। लेकिन इस्लामाबाद की तारीख दे विच अरशद शरीफ साहब का जनाजा जड़ा वा वो इतना बड़ा सी कि जनरल ज़ियाउल हक साहब के जनाजे नालों भी लोग ज़्यादा शामिल होए आ और अपनी मुहब्बत अपनी अकीदत उदे नाल उस इंसान दे नाल जिहड़ा इस मुल्क दे खातर इस हकीकी आज़ादी की खातर इस गल उत्ते डटे हुए ने कि मैं वो सौदा नहीं करना जिहड़ा मेरे ज़मीर दे खिलाफ आ वो जनाब इस दुनिया दे तो चला गया। लेकिन बहुत सारे सवाल छट गया जिहड़े तुसी जनाब देख रहे हो। कोई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सियासी फायदा लैण की खातर कर रहा कुछ अपने आप नूं बचाण की खातर कोई फायदा लै रहे आ कोई कोई काम कर रहा। हर बंदा कोई वीलॉगर आ तो वीलॉग बना रहा उत्थे अज जिहड़ा तमा चौकड़ी वीलॉगर ने मचाई आ वो भी एक अफसोस का मकाम आ कि जनाजा हो रहा उन्हां नूं तमीज़ ही कोई नहीं। उन्हां दा शोर जनाजे दे विच सब तो ज़्यादा उन्हां वीलॉगरां दा सी और उन्हां वास्ते अफसोस का मकाम मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करदा। अज ऐसा दिन नहीं हैगा कि कोई ऐसा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बहुत अफसोस की गल आ कि सिर्फ एक पेट की खातर एक वीडियो वेचण की खातर एक वीडियो के व्यूज़ लैण की खातर लानत ऐसी वीडियो बनाने के उत्ते लानत ऐसी वीडियो तो पैसा कमाण की खातर कि तुहानू ना मस्जिद के आदाब पता ना तुहानू नमाज के जनाजा के आदाब पता तो ना तुहानू उस मैयत के आदाब पता वा। हुण तां वक्त ही इतना बुरा आ गया कि एक घर च जनाजा पिया नाल दे घर च मेहंदी होण डई आ शादी हो रही और कहिंदे किहड़ा साडा मर गया जिन्हां दा मर गया वो जानन। ये जदों कौम इदां दी सोच रखती होएगी तो फिर साडा हुक्मराना ते गिला करना नहीं बनता। फिर जिदां दे हुक्मरान आवाम होवे उदां दी अल्लाह ताला हुक्मरानी जिहड़ी आ वो अता करदी आ। आवाम ने जनाजा पढ़िया वी लगरां ने उत्थे शोर पाया। बहरहाल के जी जनाजा आहो सिसकियां दे नाल लोग जिहड़े सी वो प्यार मुहब्बत दे नाल उन्होंने सपुरदे खाक कीता। एक उन्हां दा कोई जनाब बहुत ही मुहब्बत करने वाला शख्स सी उन्होंने उन्हां दी वालदा दी गल ते लबैक कहिंदे होए उन्हां दी पूरी जिहड़ी स्ट्रीट आ जिहड़ी वो सड़क सी वो फुल्लां नाल भर दित्ती जी। गुलाब दी पत्तियां दे उत्ते वो सफ़र तय होया जी। और उस बंदे नूं मैं सलाम पेश करदा सुरगोदे दा वो आदमी आ जिन्हें ये काम किया। उन्हें अपना नाम जार नहीं किया लेकिन उन्हें ये काम किया। आफरीन आ भाई तेरे उत्ते जिहड़ा भी तू इंसान आ ओदे वास्ते मैं एक दफ़ा फिर सलाम करदा ते पूरी कौम वालों सलाम करदा। जिहड़े मेरे सुनने वाले भरा वा उन्हां वालों भी सलाम आ।
कि तू अपनी मुहब्बत उन्हां दी वालदा दे हुक्म दी तमील की पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट के उन्होंने जनाब सपुरद खाक किया गया। बहरहाल के जी आखिर वो सफ़र मुक गया जिंदगी का, वो कहानी मुक गई अरशद शरीफ की, वो एंकर अरशद शरीफ जड़ा वा वो नाम रह जाएगा रहती दुनिया तक, दुनिया उत्ते सवाल करती रहेगी, कातल जड़े आ वो मंजरे आम ते आण ना आण, लेकिन एक इंसान इस दुनिया तो चला गया। इस तो अलावा होर कोई गल नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस केस नूं बना के जनाब अपने अपने मुफादात वास्ते हर बंदा इस्तेमाल कर रहा, चाहे कोई सरकारी अदारा वह भी इन इस्तेमाल कर रहा, चाहे कोई सियासी पार्टी आ वह भी इन इस्तेमाल कर रही है, चाहे ये वीलॉगर आ ये भी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई बंदा वा वो अपनी वीडियो च अफसोस कर रहा वह भी अपने नंबर शेयर करने के बदले ये सारा काम कर रहा। इंसानी हमदर्दी, इंसानी मुहब्बत जिहड़ी आ, या इंसाफ जिहड़ा कानून आ वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इहदे ते इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी आ वो की होएगी या की नहीं होएगी, ये एक खामोश कतल सी जी, कतल हो गया, महाना मुक गया, गल मुक गई जी। ना इहदा कोई जे आई टी बने सबूत आना, ना इहदे ते कोई कमीशन ने कोई रिजल्ट देनी आ, ना इहदे ते कोई फरदर इन्वेस्टिगेशन होनी। हाँ कोई वक्त आएगा जी, उस वक्त कोई उहदा हमदर्द उठेगा, जिस वक्त आ धुआं जिहड़ा हट जाएगा फिर वो जिहड़ी वो वीडियो भी बाहर आएगी, वो सारा कुछ आएगा, लेकिन इहनूं थोड़ा जिहा टाइम लगना, क्यों बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां अरशद शरीफ साहब जिहड़ियां अपने राज जिहड़े आ दुनिया नूं दे गए आ, लेकिन हजे जिस तरह का जबर तशद्दुद इस टाइम माहौल आ उहदे तहत वह बाहर नहीं आनियां, वह दब गई जी। ये मत सोचो कि वह नहीं हैगियां, वह हैगियां, चलो जो हैगा, लेकिन जिस इंसान ने काम कराया वा इन्ना जरूर रखे याद, वह जिहड़ा भी आ किसी के उत्ते कुछ इल्जाम ला के कोई करके अपने चेहरे तो कालक जिहड़ी लाई उहनूं मिटा के ते अपने मूँह नूं जिहड़ा वा वह साफ सुथरा अगर जिन्ना मर्जी भी कर ला, जवाना जाना तू भी कबर दे विच आ, ते जो कुछ तू कीता अल्लाह ने तेरे को हिसाब लेना, तू जिहड़ा भी आ अल्लाह नूं पता वा, दुनिया नूं भी पता वा, बहुत सारी दुनिया इस केस की तह तक पहुँच चुकी आ, लेकिन लोग नहीं बोल रहे। उहदी वजह जो कुछ मुल्क दे हालात चल रहे उहदे तहत हर बंदा खामोश हो गया वा, जो निज़ाम पेंटागॉन दा वा उही निज़ाम इस टाइम पाकिस्तान के अंदर चल रहा जी। इहदे नाल नाल चौधरी गुलाम हुसैन 78 साल उम्र आ जी उन्हां दी, 211 दा को केस आ, अज 222 आ, 11 साल बाद जी वो होश आई आ, वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जी। 11 के 14 विगो डाले सी वो आए आ, 2 बंदे वर्दी च सी बाकी सफेद कपड़िया च सी, वो कॉफी शॉप ते बैठे सी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया जी। ये है जी सवाल का जवाब जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके लोग अपने आप नूं जाहिर कर रहे आ कि असी नहीं हैगे। ये है जी उन्होंने फौरी तौर पर यानी अल्लाह ताला फौरी जवाब दे आ रहा। इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्होंने सुबह लौंग मार्च का जिहड़ा वह करना जी इफ्तिताह करना वा शुरू आ, लेकिन अज 2 काम अहम होए आ जी। एक तो रात जिहड़ा फैसल वाडा साहब सी उन्होंने जो काम किया उहदे ते उन्होंने नोटिफिकेशन जारी हो गया, उन्होंने पार्टी की रुकनीयत मुअत्तल करती गई उन्होंने। इस तो अलावा जनाब अल्लाह तुहाडा भला करे उन्होंने वट्सएप ग्रुप चो भी फर्क करता गया, वो हुण एक साथी बन गए जी जहांगीर तरीन साहब दे, वो साथी बन गए जी अलीम खान साहब दे, वो साथी बन गए जी उन्होंने जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन दे विच हिस्सा लिया। अज मेरा मोहतरम अदारा जिहड़ा पाकिस्तान की तारीख दे विच पहली दफा पाकिस्तान के DGISI जनरल नदीम अंजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। अज असी उन्होंने गौर ना देखिया जी, आ साडे DGISI साहब आ
जिन्हां दे मतलक सलीम साफी साहब ने एक ट्वीट किया सी, लास्ट बॉल कमिंग, उन्हां दी गेंद हाथ च फड़ाई सी। उन्होंने कुछ सवालात इमरान खान साहब की जात के मुतलक किए आ, कुछ सवालात उन्होंने अरशद शरीफ साहब के मुतलक किए आ, कुछ सवालात उन्होंने होर किए आदे उन्होंने बाजवा साहब के मुतलक जो गल्लां कीतियां, मैं उस बहस उस मौजू च नहीं पैना, ना हालात आ ना मैं उत्ते गल करनी आ, तुसी उन्हों जरा सुन लो। उदा जिहड़ा वा काउंटर नैरेटिव जिहड़ा वा वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, श्री मजारी साहबा ने, उन्होंने जनाब अपना जवाब दिता वा। इमरान खान साहब ने उदा जवाब इंटरव्यू च दिता। फैसल वाडा साहब की कार्रवाई का जवाब उन्होंने इंटरव्यू च दिता। मतीन साहब के नाल उन्हां दा इंटरव्यू होया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लाहौर चो कीती आ, उहदे च उन्होंने बहुत सारिया गल्लां कीतियां। उन्होंने ये जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अज होई आ इहदे मतलब उन्होंने बहुत सारे जिहड़ियां गल्लां क्लीयर करन की कोशिश कीती आ। सवाल ये आ जी कि साइफर दा सवाल उठाया गया, साइफर ते दो नैशनल सिक्योरिटी कमेटी दी मीटिंगां होईयां जी, या आई दी स्टेटमेंट सही आ, या वो जिहड़े लोग बावर्दी लोग उत्थे बैठे सी उन्होंने जो उदन कहा सी, जो डी जी आई एस बी आर साहब ने उदन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती सी कि डिमार्श दिता जाएगा, उस गल दा ते अज दी गल दा मुआजना कर लो, जवाब आप तलाश कर लो। इमरान खान साहब नाल मुलाकातां दी उन्होंने जिक्र किया। इमरान खान साहब ने जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते न्यूट्रल या दूसरे तीसरे जो भी करते, उन्हां दा जवाब आ कि गुजरांवाले दे जलसे कढ लो, बाकी जलसे कढ लो, तकरीरां सुन लो जी, आप ही फैसला कर लो। ये नाल अमन पश्तीन साहब ने जो लाहौर के अंदर आसमा जहांगीर साहबा दे वो जिहड़ा फंक्शन सी उहदे विच जो कुछ होया, उन्होंने हजे तक कुछ नहीं किया, उहदा जवाब खुद ही तलाश कर। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने रजीम चेंज की या नहीं की, पाकिस्तान दे विचों चाइना बिस्तरा बन के चला गया, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज का पाकिस्तान नू की फायदा होया जी, पाकिस्तान का डालर कित्थे चला गया, अज भी महंगा हो गया, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के नाल पाकिस्तान की इकोनमी कित्थे गई है, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के नाल पाकिस्तान की आवाम की कमर टुट गई महंगाई के नाल, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के नाल पाकिस्तान की 70% आबादी किसान जड़ा वा वो तबाहो बर्बाद हो गया, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के तहत जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालक सी वो परे हट गए, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के तहत कोई भी मुल्क पाकिस्तान की अमदाद करने तैयार नहीं है, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के तहत पाकिस्तान IMF ने जिन्हें शरायत पर कर्जा दिता वा और उदे बाद जड़ी तूफान महंगाई पाकिस्तान के अंदर आया वा, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के तहत जिहड़ा पाकिस्तान के अंदर पकड़ दकड़ हुई आ, जिहड़े परचे होए आ, जिहड़े एंकर अंदर गए आ, जिहड़े बंदे जिदा चौधरी गुलाम हुसैन अज 78 साल की उम्र का, आजम सवाती 75 साल की 72 साल की उम्र का, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के तहत पाकिस्तान के अंदर सारा निज़ाम जड़ा वा वो दरम बरम हो गया, जवाब आप तलाश कर। इस रजीम चेंज के तो पहले जिन्हां लोगों नूं कढ़िया गया सी उन्हां दे उत्ते इल्जाम सी कि उन्होंने करप्शन की, मुल्क नूं नुकसान पहुँचाया, मुल्क का जनाब पैसा लुट के खा गए, अज उन्हां नाल सुलह हो गई, जवाब आप तलाश कर। इहदे नाल नाल जिहड़ा जिस बंदे ते इल्जाम लगे आ, जिन्हों कहा कि वो मुख्तलिफ नामा दे नाल पाकिस्तान दे नाल पाकिस्तान की पाक फौज के उत्ते कोई गल करता, उन्हें कहा मेरी जान तो वध के अजीज जिहड़ी आ पाकिस्तान की फौज आ, जवाब आप तलाश कर।
वह बंदे का एक सवाल इलेक्शन दे दियो ज अगो जवाब जेडे आए आ 6 महीने तो वह पिट रहा वा जवाब आप तलाश कर। आवाम ने 2 दफा जिमनी इलेक्शन जेडे होए जवाब दिता आवा जवाब आप तलाश कर। जिदन उस बंदे नू कढ़िया गया उस दिन डायरी लैके वह दफ्तरों निकलिया आवाम सड़कों पर आ गई पूरी दुनिया च प्रोटेस्ट हो रहा लगातार हो रहा जवाब आप तलाश कर। इहदे नाल नाल अज का जिहड़ा अरशद शरीफ साहब का जिहड़ा जनाजा वा उहदे अंदर आवाम की शमूलीयत आवाम की मुहब्बत आवाम का शुक्रिए फिर जितना जज्बा जितना मुहब्बत जितना उन्हें इजहार किया इहदे पिछे भी एक सबक आ जवाब आप तलाश कर। पाकिस्तान दे कोलों अमेरिका की चाह रहा वा जवाब आप तलाश कर। पाकिस्तान एक रीढ़ की हड्डी की हैसीयत रखता पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो गई कुछ लोग जड़े आ जड़े गैर मुल्की आ जिन्हें जिन्हों यानी तुसी अमेरिका कह लो वो कहता कि फाटा हंगू ए जी बेल्ट वा इनू डिवेंडर लाइन करार देता जाए इतने जरा ये फाटा जरा जम किया के पी के दे विच वो क्यों कह रहा वा जवाब आप तलाश कर। आज जो बयान भारत के वजीरे दफा ने दिता वा जवाब आप तलाश कर लो उन्हें किन लफ्जों के कहा कि असी गिलगत बल्कस्तान भी लवेंगे असी जनाब बाकी चीज़ा भी लवेंगे कश्मीर भी लवेंगे जवाब आप तलाश कर लो। ये सारिया गल्लां सारिया बातां जड़ियां वा इन्हां दा जवाब बहुत वाजे आ लेकिन बोल नहीं सकते जवाब नहीं दे सकते हालात कितने बुरे आ वो अंदाज़ा नहीं कर सकते। बाकी ये कोई बंदा गल कवे जो फैसल वाडा साहब ने गल की वो एक प्लांटेड जिहड़ी आ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जो कुछ ऐलान तो बाद हुण तक पाकिस्तान के अंदर हो रहा वा ओ क्या इस हुकूमत नूं बचाण वास्ते हो रहा वा क्या अमरीकी मुफादात नूं बचाण वास्ते हो रहा वा या पाकिस्तान की बेहतरी ले हो रहा जवाब आप सोचो।